दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं क्या बिजनेस करें, तो आज हम आपके लिए खोज कर बिजनेस लाए हैं। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, ये आपको 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक में होलसेल में मिल जाएगा, यानी कि इसकी होलसेल कीमत 60 रुपए से 70 रुपए के बीच में होने वाली है। और अगर सेल की बात की जाए, अगर आप किसी कस्टमर को बेचते हैं, तो ये प्रोडक्ट 350 रुपए से लेकर 450 रुपए तक में बिक रहा है, यानी कि इसमें आपको इतनी बड़ी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। जो प्रोडक्ट आपको 60 रुपए में मिल रहा है और अगर वो 300 या 350 रुपए में भी बिक जाए, तो समझिए कितनी बड़ी प्रॉफिट है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट है बिजनेस में, और ये बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आज पूरी हम जानकारी देने वाले हैं कि ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये माल आप कहाँ से खरीद सकते हैं और मार्केट में कैसे सप्लाई दे सकते हैं, कैसे आप एक पीस पर 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की प्रॉफिट कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, विजय बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होती है, और इस तरह का बिजनेस बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट चुनकर लाए हैं, जिस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि इस बिजनेस आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक मिनिमम पूंजी जो 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक हो सकती है, इतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और इस बिजनेस को शुरू कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऑटो पार्ट्स बिजनेस की। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये बजाज है, ये हीरो है, ये TVS है, इसके अलावा यामा वगैरह भी होती है, तो ये सभी गाड़ियों में इस प्रोडक्ट की डिमांड आती है। अगर आप इसका बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी आसानी से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है कि ये प्रोडक्ट आपको 60 रुपए से लेकर 70 रुपए या ज़्यादा ज़्यादा 80 रुपए के बीच में ये मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप हीरो का खरीद रहे हैं, बजाज का या TVS, किस गाड़ी का खरीद रहे, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का या किस गाड़ी का माल खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लो, अगर आप हीरो का माल खरीद रहे हो, तो हो सकता है हीरो का आपको सस्ता मिल रहा हो, बजाज का या TVS का उससे महंगा मिल रहा हो, या हीरो में स्प्लेंडर खरीद रहे हो, स्प्लेंडर सस्ता हो सकता है, आप सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर खरीद रहे हो तो महंगा हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आप बजाज में फोरेस प्लेटना का माल खरीद रहे हो, जैसे कि बजाज है तो बजाज प्लेटना का ले रहे हो, डिस्कवर ले रहे हो या पल्सर ले रहे हो, जैसी गाड़ी की कीमत बढ़ती जाती है, भाई कोई गाड़ी अगर 50,000 की 1,00,000 की आ रही है, कोई 1,50,000 की आ रही है, तो जो सवा 1,00,000 की है, कोई 1,50,000 की है, जो गाड़ी में डिफरेंस होता है, उतना ही फर्क इनके प्रोडक्ट में हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट आपको लगभग 60 रुपए से लेके 80 रुपए तक में ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। इस कीमत तक में आप ये खरीद सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, मुझे इसका बिजनेस करना है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब अगर मुझे बिजनेस करना है, तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैं इसका बिजनेस कर सकूं। दोस्तों, अगर कोई भी बिजनेस, ये ही बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस करना है, उससे पहले, शुरुआत करने से पहले हमें अपनी मार्केट को समझना होता है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी मार्केट समझो। अब मार्केट में समझेंगे क्या, भाई मार्केट में मुझे क्या देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सेल हो जाए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ किस कंपनी की चल रही है। कहीं कहीं पे हीरो की गाड़ियाँ, जैसे कि आप मेरे हाथ में हीरो का ही प्रोडक्ट देख रहे हो, तो हीरो की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, कहीं पर TVS की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और कहीं पर बजाज की गाड़ियाँ हैं। तो आपको पहले ये देखना है आपके क्षेत्र में किस किस गाड़ी कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। आपने डिसाइड किया, लेकिन अपने डिसीजन को थोड़ा रोक लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सर्वे करना होगा। जो भी आपके आसपास ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, उन दुकानों पर जाना है और उनसे बात करनी है कि सर, हम ऑटो पार्ट्स के ये प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई देने वाला हूँ, मैं आपको कुछ पार्ट्स लेके आने वाला हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये किस किस गाड़ी में डिमांड में आ रहा है। या फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर, अपने यहाँ जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जिनका काम आप करते हो, तो सबसे ज़्यादा काम किस गाड़ी का आता है। हीरो होंडा में सबसे ज़्यादा किस गाड़ी का काम निकलता है, बजाज में किस गाड़ी का काम निकलता है, या फिर TVS में किस गाड़ी का काम निकलता है। जो भी कंपनी है वो बताएंगे, भाई ऐसा कीजिए, हीरो में सबसे ज़्यादा मुझे स्प्लेंडर का काम आता है, डीलक्स का काम आता है, पल्सर का काम आता है, या फिर
आपका प्लेटना सिटी 100 डिस्कवर का काम आता है या फिर स्टार सिटी स्पोर्ट का काम आता है, जो भी गाड़ियां हमको बता देंगे कि इन इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा काम निकलता है, ये गाड़ियों का माल सबसे ज्यादा बिकता है। आप जब उनसे ये क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये क्लियर है, तब अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट की खरीदारी करनी है। अब दोस्तों खरीदारी करने के लिए आपको क्या करना है, भाई ये बिजनेस तो आपको करना है, लेकिन अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि भाई हमें खरीदारी कहाँ से करनी है, ये प्रोडक्ट मैं किससे खरीदूँ कि मुझे सस्ता मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी सस्ते में मत गिरना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सस्ते के चक्कर में इतना रद्दी माल खरीद लेते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने क्या किया कि सस्ते के चक्कर में माल को मार्केट से लेके आ गए। पहले उन्होंने मुझसे बातचीत की कॉल पे, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं इसके वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ, तो बहुत सारे भाई हमें कॉल मी फॉर ऐप से डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं और बहुत सारे लोग हमारे दूसरे तरीके से मुझसे संपर्क कर लेते हैं। तो जब वो संपर्क मुझसे करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई आप मुझसे ये माल ले सकते हो, इस कीमत तक खरीद सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि विजय भदौरिया ने मुझे इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा बता दी है ना, वो क्वालिटी नहीं जानते, क्योंकि आप नए हैं तो आप क्वालिटी नहीं समझोगे कि भाई इसकी क्या क्वालिटी है। दो मोबाइल या तीन मोबाइल आपको दिखाएगा तो क्या आप मोबाइल देख करके ये बता सकते हो कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है? नहीं बता सकते ना, केवल मोबाइल जानो कि हाँ ये मोबाइल है, इसमें यूट्यूब भी चलता है, इसमें गेम भी खेलता है और इसमें हम फोटो भी खींच सकते हो, सभी में होता है। तो यही सिस्टम होता है जब हम कोई भी पार्ट्स खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि इसकी क्वालिटी क्या है, और नए बंदे के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जाके सस्ता माल खोज लाते हैं और बोलते हैं यार मैंने तो विजय भदौरिया से काफ़ी सस्ता माल खरीद लिया, क्वालिटी वो नहीं जानते। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक ही चीज़ में क्वालिटी ना निकल आती है ना, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में ये समझ नहीं पाते कि मुझे क्या खरीदना है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप दिल्ली की करोल बाग मार्केट में जा सकते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, काफी सस्ता मिल जाता है। अब बात आती है कि चलो मैं दिल्ली की करोल बाग मार्केट में जाता हूं तो वहां क्या मैं हीरो या टीवीएस या बजाज का ही माल खरीदूं? अब दोस्तों यहीं पर आपको थोड़ा समझना होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप हीरो का माल खरीद रहे हो तो आपको 18-20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, TVS का माल खरीद रहे हो तो वही इसमें भी 20-25% डिस्काउंट मिलने वाला है, इसमें भी 28-25% का ही डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप ये हीरो का जेन्युइन माल खरीद रहे हो तो आपको इतना ही डिस्काउंट मिलने वाला है। तो भाई हम कमाई कहाँ से करेंगे? आप सोच सकते हैं कि मैं आपको एक बिजनेस बता रहा हूँ और जिसमें हम आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई हीरो का बजाज का या TVS का हम जेन्युइन माल खरीद रहे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम यानी कि प्रॉफिट नहीं कमा सकते। कमा सकते हैं लेकिन 5-7% भाई, हमने मार्केट में अगर बेचना है तो हम 18% से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते भाई, हमें मार्केट में अगर 25% मिला है तो 2% खर्चा मान लो तो भी 5% के हमें प्रॉफिट चाहिए है ना। तो इस प्रकार से आप 18% पर इसे बेच सकते हो, 20% पे बेच सकते हो। तो अब आप समझिए जब इसमें इतना प्रॉफिट है तो फिर हम कमाएंगे कैसे? वो आपने बता दिया कि भाई 60 रुपए में। बिल्कुल दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर में कमाई कहाँ पर है। आपको मार्केट में ये माल ना खरीद करके आपको ये माल खरीदना है, बात समझिए, आपको ये माल नहीं खरीदना है, ये माल खरीदना है यानी कि कोई दूसरी कंपनी का माल खरीदना है, जो हीरो बजाज TVS जेन्युइन का बहुत सारे लोग बिजनेस करते, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, पर उनके पास क्या है, पैसा होता है, क्वांटिटी होती है, वो एक दुकान पर कम से कम 50,000-1,00,000 का माल एक बार में देते हैं। दिन में 5 दुकानों पर माल दिया, 5,00,000 का माल बेचा और 5% की भी प्रॉफिट हुई तो 20-25,000 रुपये उन्होंने कमा लिया, बात समझिए, क्योंकि उन्होंने दिन में 4-5 लाख रुपए का माल बेच दिया। लेकिन आप जब पूरी पूंजी ही 15-20,000 रुपए लगाने वाले हैं तो फिर आप इस बिजनेस को करके कुछ नहीं कमा सकते, फिर आपको इसमें आना पड़ेगा। इस कंपनी मतलब एक सादा कंपनी, मतलब कि जो सादा पैकिंग होती है, इस ब्रांड में आपको माल बेचना है, मतलब ये नहीं कहता कि इसमें ब्रांड में बेचना है, यही ब्रांड बेचूँ, ऐसा नहीं है, मतलब ये पैकिंग है जो मैंने की हुई है। इस प्रकार की आप दूसरी भी पैकिंग कर सकते हो, दूसरी ब्रांडें हैं उनका भी माल बेच सकते हो या अपनी स्वयं की भी एक ब्रांड बना सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर में ये प्रोडक्ट है क्या जो आप इतनी प्रॉफिट बता रहे हो और इस माल को बेचने से मना कर रहे हो। दोस्तों मैं इसको बेचने से मना नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये बिजनेस है तो आसान, बिकता काफ़ी है। एक दुकान पर अगर आप जाते हैं बेचने के लिए तो एक दुकानदार एक महीने में 15-20 पीस आपसे खरीद ही लेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। ये है, अब आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये हीरो के बाल हैं,
इसमें बजाज टीडीएस के और भी बाल हैं, पर मेरे पास इस समय हीरो के ही इस पैकिंग में थे, तो मैंने आपको हीरो के दिखा दिए। ये देखिए, ये हीरो के बाल हैं। इस प्रकार के दोस्तों बाल कब लगते हैं? जब इंजन बनाया जाता है, जब गाड़ी का इंजन बनता है तो हमें ये बाल बदलने होते, चाहे हीरो हो, चाहे बजाज हो, चाहे टीडीएस हो। अब आप एक गणित समझिए, एक दुकानदार एक महीने में कुछ नहीं तो 15 से 20 इंजन बांध देता है। मैं मिनिमम 15 इंजन मान के चलता हूँ एक दुकानदार बना देता है। तो महीने में अगर 15 इंजन वो बना रहा है तो 15 सेट उसको बाल चाहिए, जैसे एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट और पांच सेट। तो ये पांच सेट मेरे हाथ में है, इस प्रकार के 15 सेट एक दुकानदार को चाहिए। अब उसमें चाहिए कुछ हीरो के, कुछ बजाज के, कुछ टीवीएस के। तो अगर आप एक ही माल बेच रहे हो, है ना, बाल ही की आप सप्लायर, तो आप दुकान पे जाओगे, बोलो भैया हम बाल की बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाते हैं और मेरे पास ये ब्रांड है, आप उसे ब्रांड दोगे, तो एक दुकानदार आपसे 15 पीस ले रहा है। बस समझना, गलत समझो, आप कितना महीने में कमा सकते हो। अगर आप एक दुकानदार को केवल 15 पीस दे रहे हो एक महीने में, तो आप समझिए कि आपको केवल 100 कस्टमर पकड़ने हैं आसपास क्षेत्र में। वैसे तो एक छोटी सी मार्केट में 8-10 दुकानदार हो जाते हैं, यानी कि आपको ज्यादा ज्यादा 10 से 15 मार्केट पकड़नी है आसपास, छोटे छोटे कस्बे भी होते हैं उनपे भी, तो सब मिला के आसपास क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलोमीटर के अंतर्गत आपको 10 से 15 मार्केट देखने को मिल जाएंगे। इन मार्केट में ये माल सेल करना है। अब दोस्तों माल सेल कैसे करना है? भाई एक दुकानदार को अगर 15 सेट दे रहे हैं तो 100 दुकानदार हमें पकड़ने हैं। अगर 100 दुकानदार आप पकड़ने में सफल हो जाते हैं, यानी कि इतना माल अगर बेचने में आप सफल हो जाते हैं, तब आपको प्रॉफिट होगी। कैसे प्रॉफिट होगी समझिए, अगर आप एक दुकानदार को दे रहे हो कितना, केवल 15 पीस, और आपने दुकानदार पकड़ लिए कितने, कुछ नहीं पकड़े, तो आपने 100 पकड़ लिए, तो आपका माल कितना सेल हुआ एक महीने में, समझिए, 1500 पीस। 1500 पीस अगर एक महीने में सेल हो रहे हैं, और पर पीस पे अगर आपको कुछ नहीं 50 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, तो आप सोचिए 1500 × 50 1575, यानी कि 75,000 रुपए के करीब हर महीने कमा सकते हो केवल एक बाल बेचकर। ये देखिए, और वही क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, हर महीने एक दुकानदार अगर 20 पीस खरीद रहा है आपसे, तो समझिए फिर आपकी 1,00,000 रुपए महीना केवल एक चीज, एक प्रोडक्ट बेचकर कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी आसान है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो ये माल मुझसे भी खरीद सकते हैं। आप अगर मार्केट से माल नहीं खरीदना चाहते, आपको रिस्क लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि जो ये बाल होते हैं दोस्तों, ये समस्या खड़ी कर देते हैं। अगर हल्का माल है तो ये बाल टेढ़े हो जाते हैं जब इंजन चलता है, और अगर ये बाल टेढ़े हो जाते हैं तो पूरा हेड ब्लॉक खराब हो जाता है, कस्टमर का नुकसान हो जाता है। इसलिए इसमें हल्की क्वालिटी नहीं चलती है, तो भूल कर भी आपको हल्का माल नहीं चलाना है, आपको इसके लिए अच्छा माल ही चलाना है। अब दोस्तों अच्छा माल आप चाहे तो मार्केट में तलाश कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप मुझसे खरीदें, लेकिन अगर आप मुझसे माल खरीदते हैं तो मैं आपको ये क्वालिटी की गारंटी दे सकता हूँ कि अच्छा माल मिलेगा, माल में आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो दूसरे दुकानदार हैं उनसे हमारा माल थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरा एक ही सिद्धांत है कि 2 रुपए महंगा माल बेचो, पर क्वालिटी ऐसी दो कि कस्टमर को कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी तो दोबारा भी आपको ऑर्डर देगा। तो आप मुझसे ले सकते हैं, मुझसे लेने के लिए, मुझसे संपर्क करने के लिए आप क्या करें, आप आसान सा तरीका है ये जो ऐप देख रहे हैं, कॉल मी फॉर ऐप, इस ऐप के द्वारा मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे उसके बाद आप मुझसे नंबर मांग लीजिए, मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर संपर्क करके मुझसे ये माल खरीद सकते हो अपनी क्वांटिटी के साथ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप ऑर्डर करें। इससे कम में ऑर्डर होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई एक कंपनियां हो जाती है, जैसे हीरो के 2-4 मॉडल हैं, बजाज के कोई कई मॉडल हैं, टीवीएस के कई मॉडल हैं, तो अलग अलग मॉडल हो जाते हैं, उनकी अलग अलग क्वान्टिटी हो जाती है, इस कारण 10 से 20 हज़ार रुपये तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हीरो बजाज टीवीएस के बाल सेट बेच करके पैसे कमा सकते हो, हर महीने कम से कम 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हो। ये निर्भर करता है कि आप माल कितना सेल कर पा रहे हो। दोस्तों कोई भी बिजनेस डिपेंड इसी पर होता है कि भाई मार्केट में हम अगर एक पीस भी नहीं बेच पाएंगे तो हमारी जो प्रॉफिट होगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा माल हम सेल कर सकते हैं, जितनी अच्छी मार्केट बना सकते हैं, उतनी ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बाल सेट का होलसेल बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैंने तो आपको बताया था कि आप 350 रुपये तक में बेच सकते हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। दोस्तों इसका जवाब है कि अगर आप ये बाल हमसे 60 रुपये का खरीद रहे हो हीरो का, मैं आपको 60 रुपये भी इस प्रकार का बाल दे दूँगा,
60 रुपए में खरीद करके अगर आपने अपनी एक दुकान डाली हुई है और वहां पर अगर किसी कस्टमर का आप इंजन बना रहे हो, बस समझिए कस्टमर का इंजन बना रहे हो, इंजन में बांध रहे हो, तो कस्टमर से आप इसका 350 रुपये या 300 रुपये ले सकते हो। उसी प्रकार TVS का, बजाज या बजाज का जो भी गाड़ी है, इनका आप इतनी कमाई कर सकते हो। क्योंकि यही क्या होता है, इस प्रकार की जो ब्रांड होती है इसमें आपको सस्ता माल मिल जाता है और कीमत हमेशा इसकी लगती है। लोग हमेशा जेन्युइन से कंपेयर करते हैं कि भाई मैंने आपके में हीरो के माल डाले, बजाज के डाले या TVS के माल डाले हैं, लेकिन हमेशा माल ये ज़्यादातर दुकानदार डालते हैं। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको कीमत बताई है वो एक कस्टमर की कीमत बताई है जो एक काम करवाएगा जिसकी गाड़ी खराब होगी, ना कि आपको होलसेल दुकानदार की कीमत मैंने बताई है। हाँ, कितने तक में बिकता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।